नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम 30,300 का पी चार लॉट 100 क्वांटिटी शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे। मेरा व्यू थोड़ा बुलिश है, तो देख सकते हो शॉर्ट अभी सेल का बटन दबा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिए। सबसे पहला काम रहेगा स्टॉप लॉस लगाना। तो चलिए सबसे पहले स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं। 560 के अराउंड स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो हमारा जो रिस्क रहेगा वो 1,400 के आसपास रहेगा। तो 560 हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है। अभी हमें टारगेट का वेट करना है। टारगेट तो कोई प्लेस नहीं किया मैंने, देखते कहाँ तक जाता है नीचे। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 1,600 1,700 का प्रॉफिट, फिर से 300 400 का प्रॉफिट चल रहा है। तो थोड़ा वोलाटाइल होते हैं ऑप्शंस, तो आपको केयरफुली ट्रेड करना है। और दोस्तों, स्टॉप लॉस हमेशा हमें मॉडिफाई करते रहना है। जैसे कि ट्रेड हमारे फेवर में जाए, आपको मॉडिफाई करना है, रिस्क हमेशा कम करना है। तो सबसे पहले मेरी 1,400 की रिस्क थी, मैं कोशिश करूंगा कि उससे कम से कम रिस्क की जाए। मतलब स्टॉप लॉस हमेशा मैं कम करने की कोशिश करूंगा। तो सब सारी चीजें मैं वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको सारी चीजें समझ पाओगे आप। तो देख सकते हो अभी 300 400 का फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है। बाद में मैं लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा ये ट्रेड के पीछे कौन सा लॉजिक था और मैंने क्यों ट्रेड लिया था। तो वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, आप वहां पे जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। तो देख सकते हो 600 700 के आसपास अभी भी प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है। 536.26 हमारी सेलिंग कॉस्ट है अभी उसके नीचे। तो हमारा काम रहेगा सबसे पहले स्टॉप लॉस ट्रेल करना। ट्रेल करना मतलब रिस्क कम करना। सबसे पहले हमारी 1,400 की रिस्क थी, हो सके उतना हम कम करेंगे। तो देखते हैं, अभी 1,200 के आसपास कोट हो रहा है प्रॉफिट, अभी 1,186 1,500। तो जैसे ये 505 507 के आसपास आ जाएगा, 505 506 के आसपास, तो मैं अपना स्टॉप लॉस और भी कम करूंगा। तो चलिए स्टॉप लॉस ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक देख देखिए ये दोस्तों, अभी ये 508 तक आ चुका है। एक बार इसने अभी 508 का लो लगाया है, तो ये फिर से नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। अभी हमारी और 9 पॉइंट की रिस्क कम कर देते हैं, 551 का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो अभी इस ट्रेड में मेरी रिस्क जो रहेगी 1,100 रुपए की रहेगी खाली। जैसे ही चांस मिलेगा मैं अपनी रिस्क और कम करूंगा दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पे 1,700 1,800 1,900 का अभी प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी ट्रेड मेरे फेवर में जा चुका है, तो मेरा जो काम है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। तो चीजें सारी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, वीडियो को एंड तक देखिए। क्या होता है दोस्तों, आप बीच में थोड़ा बहुत वीडियो देख के निकल जाते हो, लेकिन जो लॉजिक का पार्ट होता है वो आप समझ नहीं पाते, इसलिए बाद में आप वो सारी चीजें पकड़ नहीं पाते, कोरिलेट नहीं कर पाते। तो हमेशा कौन सा भी यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो, किसी का भी देख रहे हो, तो उसको पूरा देखिए, तभी आपको उसके पीछे का माइंडसेट, लॉजिक, सारी चीजें आप समझ पाओगे। ठीक है, तो देख सकते हो अभी भी 1,000 रुपीज के आसपास प्राइस कोट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट चल रहा है। 1,200 1,600 ये बहुत ही वोलेटाइल होते हैं दोस्तों, और आज का मार्केट का सेशन भी वोलेटाइल ही रहने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो फ्राइडे का क्लोजिंग था वो 30,000 के ऊपर था और मार्केट उसी के आसपास ओपन हुआ था। तो चलिए देखते हैं। तो 1,400 1,500 चल रहा है अभी, हम कोशिश करेंगे कि उसको और भी कम, मतलब जो स्टॉप लॉस था कम करने की कोशिश ज्यादा करेंगे। रिस्क हमेशा कम रखेंगे, टारगेट मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब टारगेट हमारा बढ़ा सकते हैं, स्टॉप लॉस कभी बड़ा नहीं करना है। तो चलिए अभी यहाँ पे मैं जो कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी रिस्क लगाने की कोशिश करूंगा, तो अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं 537 के आसपास। तो चलिए मेरा मेरा जो सेलिंग प्राइस था उससे ऊपर 40 या 50 पैसा, मतलब मेरा इस ट्रेड में अभी रिस्क रहेगा तो खाली मतलब 50 रुपये या 60 रुपये ही रहेगा। तो देख सकते हो अभी प्राइस, ओ ठीक है, 536.75 आ चुका है, 25 पैसे से हमारा स्टॉप लॉस बच गया यहाँ पे, ओनली 25 पैसे से। तो अभी प्राइस नीचे आ रहा है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा और 450 460 तक का लो लगाएगा, लेकिन मैं अपना स्टॉप लॉस मतलब टारगेट नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऑर्डर में हम निकल जाएंगे। जैसे कि 5,000 के आसपास प्रॉफिट दिखाई देगा स्क्रीन पे, हम यहाँ वहां से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। और भी स्टॉप लॉस कम कर देते, 525 के आसपास सोच रहा हूँ। ओके ठीक है, चलिए 525 के आसपास हमने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। तो अभी जो मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होएगा दोस्तों, तो यहाँ से मैं कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा, कम से कम 1,000 1,100 रुपये तो लेके जाऊंगा। तो ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पावर। तो अभी मेरा जो ट्रेड है मेरे फेवर में पूरी तरह से जा चुका है, तो मैं जितना हो सके उतना ज्यादा पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी स्टॉप लॉस ज्यादा ट्रेल
तुरंत नहीं करेंगे, जैसे ये 480 के नीचे निकल जाता है तो और भी हम अपना स्टॉप लॉस ड्रिल करेंगे। तो देखते हैं, वेट करते हैं, 480 के जैसे नीचे निकल जाए तो अपना स्टॉप लॉस 492 के आसपास लेके जाएंगे। तो स्क्रीन पे देख पा रहे हो अभी 3900 4000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। मैंने बताया था दोस्तों आपको कि आपका व्यू सही होना चाहिए, उसी के साथ साथ पेशेंस होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बार बार ट्रेड लेते रहो, आज एक ही ट्रेड और बहुत कम क्वांटिटी में काम कर रहे हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलाटाइल रहेगा तो रिस्क कम रहेगी हमारी। तो 4200 ठीक है, मैंने बताया था 480 के नीचे निकल जाएगा तो स्टॉप लॉस ट्रेड करेंगे। तो चलिए अभी 480 के नीचे का लो लगाया है तो अपना काम रहेगा स्टॉप लॉस ट्रेड करना। तो 492 के आसपास अभी देखिए, 492 के आसपास मैं स्टॉप लॉस ट्रेड कर रहा हूँ। और स्क्रीन पे देखिए, जाते हैं 6700 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों। बहुत ही वोलाटाइल मोमेंट है, विद इन सेकेंड के अंदर ये 20 पॉइंट नीचे फिसल गया। तो देखते हैं मार्केट ऑर्डर में ही निकलने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अभी 492 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया और मार्केट शायद यहाँ से अपना स्टॉप लॉस काट लेगा, देखते हैं क्या होता है। नहीं काटेगा तो बाद में मैं उसको 468 के आसपास लेके जाऊंगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है, शायद ये निकाल लेगा। ठीक है, देखते हैं 5000 के आसपास प्रॉफिट तो दिखा रहा है। 492 का हमारा एसएल है, ट्रेलिंग एसएल है, वो ट्रेलिंग एसएल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारा ट्रेड मोर देन हमने 40 पॉइंट अर्न कर चुके होंगे इस ट्रेड में। तो देखते हैं, ठीक है हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ यहाँ पे। तो चलिए हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं हमारे, तो ट्रेलिंग एसएल हमारा हिट हुआ था। एक बार स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देते दोस्तों, ठीक है दिखा देते, लोडिंग हो रहा है अभी। ओके ठीक, देख सकते हो यहाँ पे 4240 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया हमने। तो सबसे पहले ऑर्डर बुक जाके दिखाते, कंप्लीटेड ट्रेड में एक ही ट्रेड दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, 930 को लिया हुआ था और 940 को एग्जिट किया था हमने, चार लॉट थे ये सारे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर्स, एक ही ट्रेड लिया था। ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे आज, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहने वाला है। तो चलिए चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, कौन से ऐसा लॉजिक था मैंने जो मैंने ये ट्रेड लिया था। मैंने थोड़ा मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश की थी, आपको पता होगा कि थोड़ा सा मोमेंट ऑप्शन में अब कैप्चर करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो 9:30 के आसपास हमने ट्रेड लिया था, ये दिखा सकते हो, मैं आप देख सकते हो आप यहाँ पे 9:30, ये देख सकते हो 9:30 पे हमने एंट्री की थी और 9:40 के एग्जिट हो चुके थे हम। तो 9:30 कहाँ पे आता ये भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 9:30 यहाँ पे आता है, ठीक है। तो 9:30 से लेके 9:40 ये जो मूव है टोटल, ये हमने कैप्चर किया है, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे 30,300 का पी शॉर्ट किया था। पी शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, अभी भी मार्केट शुरू है देख सकते हो। मैं टाइम और डेट भी दिखाने की कोशिश करूंगा, आप कर्सर को नीचे देख सकते हो यहाँ पे, नीचे की तरफ आपको डेट और टाइम दिखाई देगा। 7 दिसंबर है और 11:13 हो चुके हैं और मार्केट अभी भी 30,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो ये कंसोलिडेशन चल रहा है, तो चांसेस है कि यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करके थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि 2-3 दिन के बाद एक्सपायरी है। तो थोड़ा हो सकता है कि एक अपना रेजिस्टेंस जोन और एक सपोर्ट जोन मार्केट क्रिएट करे, उसी के भीतर ट्रेड होने वाला है, क्योंकि एक्सपायरी के बाद ही बड़ा मूव होता है, ठीक है। तो ये था मेरा ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आने वाले वीडियो हमारे देखते रहे और सपोर्ट कीजिए। और अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।